हेलो दोस्तों, सलाम आदाब, नमस्कार, स्वागत है जावेद खान ऑटो व्लॉग में। मैं हूं आपका दोस्त जावेद खान। दोस्तों, इस चैनल पे मिलती हैं आपको ढेर सारी इन्फॉर्मेशन ऑटोमोबाइल से जुड़ी हुई, साथ में मिलते हैं आपको कुछ नई कार के यूज़र रिव्यूज़ और कुछ नई कार के डिटेल रिव्यूज़, और साथ में मिलते हैं कुछ यूज़र रिव्यूज़ भी। तो दोस्तों, वही लेके आपके सामने हाजिर हूँ और आज हम रिव्यू करने वाले हैं रेनॉल्ट के किगर के सबसे टॉप एंड मॉडल का। और दोस्तों, इस किगर के रेनॉल्ट के वीडियो को शूट करने के लिए हम आए हैं रेनॉल्ट मेरठ के शोरूम पे। तो दोस्तों, इस शोरूम के बारे में थोड़ा सा हम बताना चाहेंगे। ये शोरूम लोकेटेड है मेरठ दिल्ली रोड पे, जो लोकेटेड है सुप्रिक्स मॉल के बिल्कुल आसपास। और दोस्तों, यहाँ पे मिलती है आपको बेस्ट डील रेनॉल्ट की सभी कार्स के साथ में। और अगर आप कोई पुरानी गाड़ी भी एक्सचेंज करना चाहते हैं तो आप डेफिनेटली यहाँ पे विजिट कर सकते हैं। हम श्योरिटी देते हैं आपको इस रेनॉल्ट के शोरूम पे, आपको नई कार पे भी बेस्ट डील मिलेगी, साथ में अगर आप कोई पुरानी गाड़ी एक्सचेंज करते हैं तो आपको यहाँ से बेस्ट डील मिलेगी पुरानी कार के रिलेटेड भी। तो दोस्तों, स्क्रीन पे आपको नंबर दिख रहा होगा, तो डायरेक्टली आप इस नंबर पे कॉल कर सकते हैं। और अगर आप दिल्ली NCR या मेरठ मोदीनगर हापुड़ मुजफ्फरनगर से बिलोंग करते हैं तो डेफिनेटली इस नंबर पे कॉल कीजिएगा, आपको इस लोकेशन की बेस्ट डील मिलेगी। बाकी दोस्तों, डिटेल में जानेंगे कि घर के इस मॉडल के अंदर आपको क्या क्या फैसिलिटीज़ मिलती हैं। तो वीडियो शुरू करने से पहले रिक्वेस्ट करना चाहेंगे, चैनल पे अगर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और अपने दोस्तों में भी शेयर करें। तो चलिए दोस्तों, करते हैं वीडियो अभी के साथ में। तो दोस्तों, इसकी चाबी थोड़ी सी डिफरेंट शेप में आपको नजर आती है। आपको इसमें मिलती है फ्लैप स्मार्ट टी की, यानी कि इस मॉडल के सेगमेंट के अंदर ये गाड़ी की चाबियां सबसे बेस्ट आपको मिलती हैं इस कार के अंदर। आप देख सकते हैं आपको इस पे सभी फंक्शन मिल जाते हैं, गाड़ी को लॉक अनलॉक, उसके अलावा आप अपनी हेडलाइट्स को ऑन करके गाड़ी को सर्च भी कर सकते हैं, उसके अलावा बूट गेट को ओपन भी कर सकते हैं। बाकी दोस्तों, शुरुआत करते हैं गाड़ी के फ्रंट और एक्सटीरियर के बारे में। तो सबसे पहले बात करते हैं इसके बोनट डिज़ाइन के साथ में। तो काफ़ी स्टाइलिश बोनट डिज़ाइन आपको मिलता है, उसके अलावा आपको पूरा प्रॉपर SUV इंस्पायर्ड लुक भी मिलता है इस कार के अंदर। सबसे पहले बात करेंगे बोनट पे, तो आपको मिलती है 4 कैरेक्टर लाइंस, जिनकी वजह से गाड़ी की लुक और भी बेहतर दिखती है और गाड़ी का रोड प्लेसर थोड़ा सा डिफरेंट नज़र आता है पूरा का पूरा आपको। उसके अलावा बात करते हैं ग्रिल के बारे में, तो काफ़ी स्टाइलिश आपको रेनॉल्ट के लोगों के साथ मिलती है इसकी ग्रिल, साथ में मिल जाता है काफ़ी बढ़िया आपको क्रोम का काम देखने के लिए इसकी ग्रिल पे, जो गाड़ी की लुक को और भी बेहतर बनाता है। उसके अलावा दोस्तों, बात करते हैं गाड़ी की जो प्रोजेक्टर हेडलैम्प्स हैं और इंडिकेटर्स हैं, वो आपको मिलते हैं थोड़े से डिफरेंट शेड में, यानी कि आपको नज़र आने वाले थोड़े से नए लुक के साथ में ये, और गाड़ी की लुक इनकी वजह से भी थोड़ा सा डिफरेंट नज़र आती है। उसके अलावा नीचे की तरफ देख सकते हैं आपको 3 हेलोजन हेडलैम्प्स के ऑप्शन मिल जाते हैं, जो गाड़ी में बिल्कुल ही डिफरेंट शेप नज़र आती है एकदम से। और गाड़ी का जो बम्पर है वो आपको ब्लैक एंड व्हाइट कलर की कॉम्बिनेशन के साथ मिलता है और काफ़ी बढ़िया लुक गाड़ी की आती है इसके अंदर। और देख सकते हैं, यह है इसका पूरा फ्रंट फेशिया। दोस्तों, गाड़ी बहुत बढ़िया स्पोर्टी लुक में नज़र आती है आपको साइड फ्रंट के प्रोफाइल के साथ में। तो दोस्तों, यह है इसका फ्रंट फेशिया। बाकी चलिए दोस्तों, अब बात करते हैं इसके साइड प्रोफाइल के बारे में। तो सबसे पहले बात जाती है इसकी जो व्हील है उन पे, तो सबसे पहले बात करते हैं, इसमें आपको मिल जाते हैं मशीन कट अलॉय व्हील्स, जो ब्लैक एंड सिल्वर कलर की कॉम्बिनेशन के साथ अवेलेबल होते हैं। और अगर इसकी डायमेंशन की बात करें तो ये आपको जो अवेलेबल डायमेंशन होती है इसकी, तो दोस्तों ये अवेलेबल हो जाते हैं आपको 16 इंची के साथ में, और काफ़ी बढ़िया आपको डिज़ाइन मिलता है। साथ में आप देख सकते हैं मशीन कट होने की वजह से इनका लुक थोड़ा सा डिफरेंट नज़र आता है। उसके अलावा बात करते हैं दोस्तों, व्हील आर्च की क्लाइडिंग मिल जाती है और फेंडर पे आपको इंडिकेटर का ऑप्शन अवेलेबल नहीं होता है। और इस मॉडल की बैजिंग आपको मिल जाती है ब्लैक कलर के कॉम्बिनेशन के साथ में, जो थोड़ा सा और प्रीमियम फील कराता है कार को। जनरली ये बैजिंग हम देखते हैं टॉप एंड मॉडल में या जो प्रीमियम ब्रांड होते हैं उनमें ये आपको नज़र आती है। उसके अलावा दोस्तों, बात करते हैं आउटसाइड मिरर के बारे में, तो ये ब्लैक कलर की कॉम्बिनेशन में आपको मिल जाता है, काफ़ी बढ़िया डिसेंट लुक नज़र आता है आपको व्हाइट कलर कॉम्बिनेशन में। उसके अलावा ये LED इंडिकेटर के ऑप्शन के साथ अवेलेबल होते हैं और इलेक्ट्रॉनिकली एडजस्टेबल फोल्डेबल ऑप्शन दोनों अवेलेबल होते हैं। उसके अलावा बात कर लेते हैं आपको रूफ रिल्स के बारे में, तो काफ़ी स्टाइलिश आपको रूफ रिल्स मिलती है, जो ब्लैक एंड व्हाइट कलर की कॉम्बिनेशन के साथ में अवेलेबल होती है। उसके अलावा दोस्तों, बात करते हैं बी पिलर, ए बी और सी पिलर के बारे में, तो आपको यहाँ पे ए व्हाइट कलर की कॉम्बिनेशन के साथ अवेलेबल होता है और बी और सी जो पिलर हैं वो आपको ब्लैक टेप आउट के साथ मिलते हैं, जिनकी वजह से गाड़ी की जो लुक है और भी डिफरेंट नज़र आती है और प्रॉपर SUV वाली फील आपको मिलती है इस कार के अंदर। बाकी आपको दरवाजों पे यहाँ पे नीचे की तरफ मिल जाती है ब्लैक कलर की साइड स्कर्टिंग। बाकी चलिए दोस्तों, बात कर लेते हैं हम इसके रियर प्रोफाइल के बारे में, तो रियर से थोड़ी सी और भी ज़्यादा डिफरेंट स्टाइलिश कार ये नज़र आती है। अगर आप रियर टेल लैम्प्स की बात करें तो ये LED शेप के साथ आपको अवेलेबल होती है, साथ में आपको ब्लैक कलर का स्मोक देखने के लिए मिलता है व्हाइट कलर के कॉम्बिनेशन के साथ में, जो काफ़ी बढ़िया और प्रीमियमनेस फील कराता है।
उसके अलावा दोस्तों टॉप एंड वर्जन है तो आपको इसमें डिफॉगर वॉशर वाइपर का ऑप्शन मिल जाता है, और हाई स्टॉप माउंट की अगर बात करें तो लाइट आपको ऊपर की तरफ मिल जाती है, बाकी ऊपर एंटीना आपको डॉल्फिन स्टाइल में मिल जाता है। और स्पॉइलर की अगर बात करें तो काफ़ी स्टाइलिश आपको ब्लैक एंड व्हाइट कलर की कॉम्बिनेशन में स्पॉइलर मिलता है, जिसकी वजह से गाड़ी की एरोडायनेमिक शेप बनी रहती है और गाड़ी बेहतर माइलेज भी देती है आपको। बाकी दोस्तों रेनॉल्ट की आपको नीचे की तरफ बैजिंग मिल जाती है, साथ में बिल्कुल बीच में एक रेनॉल्ट का लोगो मिल जाता है और साथ में कीगर आपको लिखा हुआ मिल जाता है, यानी कि ये मॉडल कीगर है तो उसकी बैजिंग मिल जाती है। बाकी बात करते हैं इसके पार्किंग सेंसर के बारे में तो आपको 3 आइस पार्किंग सेंसर मिल जाता है और नीचे की तरफ आपको सिल्वर कलर की एक्सटेंडर मिल जाता है जो रियर की तरफ आपको अवेलेबल होता है, और काफ़ी प्रीमियम और काफ़ी स्पोर्टी फील कराता है इस कार को। बाकी दोस्तों बूट गेट को ओपन करने के लिए आप चाबी का इस्तेमाल भी कर सकते हैं, ये काफ़ी स्मार्ट आपको की इसकी मिलती है, आप इसे बूट गेट को ओपन कर सकते हैं। उसके अलावा मैग्नेट का ऑप्शन भी अवेलेबल है, अगर चाबी आपके पास है आप मैग्नेट से ओपन करना चाहते हैं तो भी ऑप्शन अवेलेबल है। उसके अलावा काफ़ी लार्ज बूट स्पेस आपको मिलता है इस कार के अंदर, और ऊपर की तरफ आपको पार्सल सेल्फ का ऑप्शन मिल जाता है, काफ़ी बढ़िया पार्सल ट्रे मिल जाती है और काफ़ी बढ़िया क्वालिटी की है, आप इसको अपनी सहूलियत के हिसाब से रिमूव भी कर सकते हैं और फिर दोबारा लगा भी सकते हैं। उसके अलावा 60-40 फोल्डेबल आपको सभी की सभी रियर सीट मिल जाती है, और साथ में मिलते हैं सभी हेडरेस्ट आपको एडजस्टेबल, आप इनको हाइट के हिसाब से एडजस्ट कर सकते हैं। बाकी दोस्तों बात करते हैं स्पेयर व्हील के बारे में तो स्पेयर व्हील आप देख लेंगे, एक बार स्पेयर व्हील आपको दिखा देते हैं। तो स्पेयर व्हील दोस्तों आपको मिलता है यहाँ पर सेम साइज का, और बाकी बात करें तो आपको नॉर्मल स्टील रिम के साथ ही मिलता है और स्पीड लिमिट के साथ सेंस होता है दोस्तों, आप इसको 80 की स्पीड पे ही चला सकते हैं। बाकी ये इसके स्पेयर पार्ट्स का पैक है, आपको इसमें जैक रोड पाना वगैरह पैकेट के साथ मिलता है जो काफ़ी बढ़िया बात है, यानी कि आपके जो स्पेयर व्हील है वो बिल्कुल भी लूज़ नहीं होते कहीं भी, आप आराम से इनको सेव कर सकते हैं। बाकी स्पेस काफ़ी बढ़िया है इस कार के अंदर। बाकी चलिए दोस्तों बात करते हैं गाड़ी के इंटीरियर और डिज़ाइन के बारे में, तो अंदर का जो इंटीरियर है वो आपको काफ़ी स्पोर्टी फील कराता है। उसके अलावा बात कर लेते हैं हम इसके जो ड्राइवर साइड विंडो है उनमें क्या क्या चीज़ें आपको मिलती हैं। सबसे पहले बात करेंगे ड्राइवर साइड की जो विंडो है वो काफ़ी ओपन होती हैं, काफ़ी बढ़िया से खुलती हैं। उसके अलावा बात करें आपको यहाँ पर डोर हैंडल मिलते हैं स्पोर्टी डिज़ाइन के साथ में, काफ़ी बढ़िया ग्रिप मिलती है आपको इसके साथ में। उसके अलावा यहाँ पर आपको मिलता है मिरर लॉक, चारों पावर विंडो के बटन, और आउटसाइड मिरर को इलेक्ट्रॉनिकली एडजस्टेबल फोल्डेबल करने का ऑप्शन, साथ में नीचे आपको बोतल होल्डर और पेपर होल्डर का स्पेस मिल जाता है, साथ में स्पीकर की जगह मिल जाती है। बाकी दोस्तों बात करें यहाँ पे आपको मिल जाता है मैग्नेट ब्लैक कलर के कॉम्बिनेशन के साथ में ग्रिपिंग देखने के लिए, और उसके अलावा जो फैब्रिक ट्रिम आउट है वो मिलता है काफ़ी बढ़िया। दोस्तों यहाँ पे फैब्रिक ट्रिम आउट नहीं मिलता, प्लास्टिक ट्रिम आउट मिलता है, बाकी देखने में आपको बिल्कुल फैब्रिक जैसा ही लगता है वो बिल्कुल एकदम। बाकी दोस्तों बात करते हैं अंदर के इंटीरियर के बारे में तो देख सकते हैं काफ़ी बढ़िया स्पोर्टी इंटीरियर मिलता है, थोड़ा सा प्रीमियमनेस के साथ फील कराता है। बाकी मैं आपको एक बार ऑन करके भी दिखाऊंगा पूरी चीज़ें। तो बाकी दोस्तों देख सकते हैं पूरा ब्लैक कलर का इंटीरियर मिलता है, और इस सेगमेंट के अंदर मेरे हिसाब से सबसे क्लासी इंटीरियर इस कार के अंदर आपको मिलता है, और आपको पूरा का पूरा डिजिटल मिलता है इसका स्पीडो मल्टी इन्फॉर्मेशन डिस्प्ले, जिसमें सारी डिटेल आपको डिजिटली ही अवेलेबल होती हैं, यानी कि आपको किसी भी तरीके का एनालॉग सिस्टम नहीं मिलता है। उसके अलावा बात करते हैं इसके स्टीयरिंग के बारे में दोस्तों, लेदर वैप आपको यहाँ पे मिलता है पूरा का पूरा स्टीयरिंग, और उस पर स्टीयरिंग पे सभी कंट्रोल्स मिल जाते हैं म्यूजिक स्टीरियो के साथ में, साथ में यहाँ आपको मिल जाती है रेनॉल्ट की लोगो, और साथ में बात करें तो यहाँ पे पियानो फिनिशिंग के साथ काफ़ी बढ़िया ऑप्शन दिख जाते हैं। बाकी म्यूजिक के कंट्रोल, कॉल कनेक्टिविटी, कॉल डिस्कनेक्ट करने के ऑप्शन आपको यहाँ पे मिल जाते हैं साथ में। बाकी दोस्तों बात करते हैं फैब्रिक के बारे में तो काफ़ी स्टाइलिश आपको फैब्रिक मिलता है, और फोमिंग कुशनिंग की बात करें तो काफ़ी डिफरेंट आपको कुशनिंग मिलती है, बिल्कुल एकदम लग्जरी वाला फील आता है, और आप शेप भी देख सकते हैं इसका, डिज़ाइन भी देख सकते हैं काफ़ी बढ़िया मिलता है। उसके अलावा टिल्ट स्टीयरिंग का ऑप्शन दोस्तों यहाँ मिल जाता है आपको इस मॉडल के अंदर, बाकी आप देख सकते हैं आर्मरेस्ट का ऑप्शन यहाँ मिल जाता है, और पूरा का प्यारा पूरा पियानो फिनिशिंग के साथ यहाँ काफी बढ़िया आपको मिलता है गियर नॉब का ऑप्शन। बाकी देख सकते हैं काफी बढ़िया फिनिशिंग के साथ आपको गियर नॉब मिलती है, हैंड ब्रेक की पोजीशन मिल जाती है, आर्मरेस्ट मिल जाता है यूटिलिटी फंक्शन के साथ में, आप इसको यूटिलाइज कर सकते हैं अपने सहूलियत के हिसाब से। बाकी लगेज रूम वगैरह काफी बढ़िया मिलता है, आप छोटे मोटे अपने मोबाइल वगैरह सेफ रख सकते हैं यहाँ पे। बाकी इको मोड वगैरह को एक्टिवेट करने के लिए बटन मिल जाता है, साथ में गियर नॉब काफी प्यारी दिखती है, इंजन को स्टार्ट स्टॉप करने का फंक्शन मिल जाता है, साथ में ऑटोमेटिक एसी के कंट्रोल्स मिल जाते हैं, बाकी मल्टीमीडिया इन्फॉर्मेशन मिल जाता है आईफोन कनेक्टिविटी ऑटो एंड्रॉइड वर्जन के साथ में, और नेविगेशन वगैरह सारे ही लेटेस्ट फंक्शन इसके अंदर अवेलेबल होते हैं दोस्तों। बाकी कूल ग्लो बॉक्स भी काफी स्पेसियस मिलता है, साथ में देख सकते हैं डोर हैंडल जो है को ड्राइवर साइड में और ड्राइवर साइड में उन पर छोटी सी एक लाइट आपको दिख रही होगी, तो वो काफी डिसेंट सा प्रीमियम सा फीचर है इस कार के अंदर। बाकी लेग रूम वगैरह काफी बढ़िया दोस्तों इस कार के अंदर मिलता है, तो देख सकते हैं डैशबोर्ड डिजाइन काफी बढ़िया है कार का। बाकी दोस्तों हेडरेस्ट आपको सभी के सभी मिलते हैं यहाँ पे हाइट के हिसाब से एडजस्टेबल, आप अपनी हाइट के हिसाब से इनको एडजस्ट कर सकते हैं।
बाकी चलिए दोस्तों अब आपको दिखाता हूँ रियर से प्रोफाइल। रियर प्रोफाइल की अगर बात करें तो काफ़ी स्टाइलिश सा रियर प्रोफाइल भी मिलता है, साथ में अगर बात करें तो सेम आपको मिल जाता है ट्रिम आउट प्लास्टिक का देखने के लिए, और आपको सिल्वर एक्सेंट के सॉरी ग्रे मेटल के साथ में देखने के लिए मिल जाता है आपको फ्रेमिंग विंडो की। उसके अलावा बोतल होल्डर काफ़ी बड़ा है, स्पीकर का स्पेस मिल जाता है, ट्यूटर की जगह मिल जाती है, डोर हैंडल पियानो फिनिशिंग के साथ मिल जाता है आपको, ड्राइवर को ड्राइवर सभी के सभी, और लेग रूम वगैरह काफ़ी बढ़िया मिलता है इसके अंदर। और बात करें हेडरूम की तो काफ़ी बढ़िया हेडरूम इस केबिन के अंदर मिलता है, काफ़ी बड़ा हेडरूम है इस केबिन में इस कार के अंदर। बाकी मैं बैठ के बात करूँ तो काफ़ी बढ़िया स्पेस मिलता है और कुशनिंग काफ़ी बेहतरीन मिलती है आपको इस कार के अंदर। आप देख सकते हैं मेरी हाइट के बारे में आपको पता ही है, तो मैं आराम से बैठ पा रहा हूँ, ड्राइवर सीट बिल्कुल पीछे की तरफ मैंने की है अभी, और उसके बाद भी इसमें काफ़ी स्पेस है। उसके अलावा पीछे एसी वेंट का ऑप्शन मिल जाता है, चार्जिंग सॉकेट मिल जाता है देखने के लिए आपको। बाकी दोस्तों आपको फ्रंट का व्यू भी एक बार दिखा देते हैं यहाँ से, तो देख सकते हैं केबिन का व्यू काफ़ी बढ़िया मिलता है। उसके अलावा आपको केबिन में दो लाइट के ऑप्शन भी मिल जाते हैं, यानी कि आपको पैसेंजर के पीछे केबिन में लाइट मिलती है, ये देख सकते हैं। काफ़ी बड़ा एसी वेंट आपको मिलता है, नीचे चार्जिंग सॉकेट मिल जाता है। उसके अलावा ऑटोमेटिक एसी के कंट्रोल्स मिल जाते हैं, काफ़ी बढ़िया डिज़ाइन प्रीमियम आपको गाड़ी के जो डैशबोर्ड है वो मिलता है, पूरा गियर नॉब वगैरह सारी चीज़ें प्रीमियम अवेलेबल होती हैं। तो चलिए दोस्तों बात करते हैं इसके इंजन स्पेसिफिकेशन के बारे में, तो यहाँ पे मिलता है आपको रेनॉल्ट का 1000 cc का इंजन। अगर मैं बात करूँ तो काफ़ी बढ़िया ये इंजन मिलता है और काफ़ी पावरफुल इंजन मिलता है। उसके अलावा माइलेज भी काफ़ी बेहतर क्लेम करता है, लगभग 20 के आसपास का ये एवरेज भी क्लेम करता है। बाकी इंजन की स्पेसिफिकेशन देख सकते हैं दोस्तों, काफ़ी अच्छे से ये फिट किया गया है और काफ़ी स्पेसियस भी है, यानी कि आप इसमें बाद में कोई काम भी कराना चाहते हैं तो काफ़ी स्पेस मिल जाता है उसके अंदर। बाकी कस्टमर फीडबैक भी काफ़ी बढ़िया आता है इस इंजन के साथ में, तो काफ़ी बढ़िया परफॉर्मेंस आपको मिलती है। तो चलिए दोस्तों इस वीडियो को करते हैं यहाँ ख़त्म। वीडियो आपको डेफिनेटली पसंद आएगा, और वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक और शेयर जरूर कर लीजिएगा, और चैनल को अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि मैं कोई भी नया वीडियो अपलोड करूँ उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास अवेलेबल हो जाए। बाकी जल्दी मिलते हैं दोस्तों, अगर आप कोई भी रेनॉल्ट की कार लेना चाहते हैं तो आपको स्क्रीन पर जो नंबर दिख रहा है डेफिनेटली आप इस पर कॉल करें। अगर आप मेरठ मुजफ्फरनगर मोदीनगर हापुड़ से बिलोंग करते हैं तो आप इस नंबर पर डेफिनेटली कॉल करें, आपको यहाँ से बेस्ट डील बेस्ट सर्विस प्रोवाइड होगी। बाकी आप NCR से भी बिलोंग करते हैं तो इस नंबर कॉल कर सकते हैं, आपको यहां से NCR कस्टमर को भी डील होती है और बेस्ट सर्विस प्रोवाइड होती है। उसके अलावा कोई एक्सचेंज कार करना चाहते हैं तो एक्सचेंज की कार की भी यहां पे बेस्ट डील मिलती है। बाकी जल्दी दोस्तों मिलते हैं नए अपडेट वीडियो के साथ में, अपना और अपने परिवार का बहुत ज्यादा ख्याल रखें, गाड़ी चलाते समय सीट बेल्ट का प्रयोग करें, और टू व्हीलर चलाते समय हेलमेट जरूर पहने, क्योंकि ये सब आपके परिवार की सुरक्षा के लिए ही बने हैं। जल्दी मिलते हैं नए अपडेट के साथ, जय हिंद दोस्तों।